नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से, जहां पर आपको बता दें कि ये तेज़ी से फर्राटे भरती हुई गाड़ियां जो फिलहाल बिना टोल टैक्स के यहां से निकल रही हैं। आज से इस टोल टैक्स पर टोल लगना शुरू हो जाएगा। आज से करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स पर टोल लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करनाल से जो बस्ताड़ा टोल टैक्स पर किसानों का आंदोलन था, आप देख सकते हैं कि वो अब पूरी तरह से यहाँ से उठ गया। और जो ये तेज़ तर्रार गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, ये तमाम गाड़ियाँ अभी फ़िलहाल बिना टोल टैक्स के जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब ये टोल टैक्स लगभग एक घंटे बाद से शुरू हो जाएगा। और अब किसी भी व्यक्ति को करनाल से पानीपत या पानीपत से करनाल जाने के लिए इस टोल टैक्स पर होकर जाना पड़ेगा और ये टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा, जो पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन के चलते तमाम जो ये टोल टैक्स हैं 25 दिसंबर 2020 से बंद किए गए थे। अब ये टोल टैक्स शुरू होने जा रहे हैं और यहाँ पर नेशनल हाईवे की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं और जो टोल टैक्स के GM हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और किसान कुछ ही देर में यहाँ से रिबन कटवाकर टोल टैक्स की शुरुआत करेंगे। ये भी अपने आप में एक यानी कि नए तरह का एक्सपीरियंस होगा कि जो किसान है, किसानों ने ही टोल टैक्स को बंद करवाया था और किसान ही टोल टैक्स को शुरू करवाएंगे। हालांकि कई हज़ार करोड़ रुपए का जो नुकसान है टोल टैक्स बंद होने के चलते सरकार को हुआ है, लेकिन उतने ही हज़ार करोड़ रुपए का फ़ायदा आम जनता को भी हुआ इस पिछले एक साल में, जिन्होंने एक साल के दौरान कहीं पर भी, चाहे पंजाब की बात करें क्योंकि पंजाब में भी जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं, किसान संगठन हैं, वो टोल टैक्स के ऊपर बैठे हुए थे। इसी तरह से पूरे हरियाणा में भी टोल टैक्सों के ऊपर तमाम जो किसान संगठन हैं वो बैठे हुए थे। लेकिन आज यहाँ पर आपको बता दूँ कि किसानों की तरफ से पूरे का पूरा जो मोर्चा है वो उठा लिया गया और आज से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो टोल टैक्स है उनकी शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सिंह जी पहुंचे हुए हैं, किसानों के साथ हैं। कुछ ही देर में किसान यहां पर टोल टैक्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वीरेंद्र जी से बात करते हैं। वीरेंद्र जी, लगभग 365 दिन बाद आज वो दिन आया कि टोल टैक्स शुरुआत हुई की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे लोगों का रोज़गार टोल टैक्सों से जुड़ा हुआ था, हालांकि जितने सैकड़ों करोड़ का नुकसान सरकार का हुआ उतने सैकड़ों करोड़ का फ़ायदा जनता का भी हुआ, लेकिन आज से टोल टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, पहले तो मैं बधाई देता हूँ किसान भाइयों को, जिनके अपना उन्होंने जो अथक परिश्रम किया है और जो अपनी डिमांड्स रखी हैं, सरकार ने भी उन डिमांड्स को माना है और ये सारा का सारा प्रोसेस एमिकेबली हुआ है और इस बीच में हमने टोल प्लाजा को बंद रखा है ताकि जो एजिटेशन था उसको फर्दर हम कोई एग्रावेट ना करें। अभी हमारे किसान भाइयों से यहाँ पे बातचीत हुई है, उन्होंने बहुत ही सहृदय हमारी इस बात को माना है कि अब ये एजिटेशन क्योंकि ख़त्म हो गया है तो टोल प्लाजा चलाया जाए और 11 बजे अभी हम इसको शुरू करने वाले हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि किसानों ने ही टोल टैक्स बंद करवाए थे और किसान ही रिबन काट कर टोल टैक्स की शुरुआत करें। एक अच्छा मैसेज तो पब्लिक में जाएगा कि भी पहले अगर यानी कि सरकार के खिलाफ थे तो जैसे ही सरकार ने बातें मानी तो साथ भी दे रहे हैं किसान। जी, हमें किसान, जो भी किसान भाई हैं उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में भी हमारा बहुत ही सपोर्ट किया है। टोल प्लाजा बंद जरूर रहा लेकिन हमारे टोल प्लाजा के ऊपर कोई भी कभी कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई असामाजिक तत्वों ने इसका कोई नाजायज फ़ायदा नहीं उठाया है, रादर हमारा एक प्रोटेक्शन रहा है। कोई हमारा प्रॉपर्टी का, टोल प्लाजा के एसेट्स का कोई किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं हुआ है और अब हम दोनों ही मिलकर ये, क्योंकि मामला हल हो गया है तो अब हम इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं जैसे पहले था उसी हिसाब से शुरू हो रहा है। टोल टैक्स शुरू हो रहे हैं लेकिन अगर पानीपत से अम्बाला चंडीगढ़ तक की बात करें, रास्ते में काफ़ी जगह पर एक एक रास्ते को अवरुद्ध किया गया क्योंकि कुछ ना कुछ पीछे बारिश हुई थी, कहीं से छोटा मोटा नुकसान था, उसको कब तक शुरू करवाया जाएगा? क्योंकि जो फ्लाईओवर्स हैं उसके ऊपर काफ़ी यानी कि जब कॉम्पैक्ट हो जाता है तो लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है, वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा? उसका हमने ऑलरेडी जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन है वो कर दिया है जी। अगर हम ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें खोलना पड़ा तो हम उसको खोल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वो टेम्परेरी होता है तो हम कोई एक ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं चाहते हैं, तो इसका पूरा नया सा रेक्टिफिकेशन होगा जी। तो इसमें लगभग आशिम कितना 150 150 लगभग हमने 150 करोड़ रुपए के करीब का इसमें खर्चा है।
अब इसको हम फेजेस में करेंगे। इस साल लगभग हम 25 करोड़ रुपया खर्च करके जो जहाँ पे मेजर रेक्टिफिकेशन है वो ठीक करेंगे, फिर अगले साल उसको आगे करेंगे। जो उसका जो हमने स्प्रिंग साइनेज बोर्ड लगाए हैं वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, उसका कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि उसको ब्लॉक है। अगर हम रोड को चलाना चाहें तो उसको विद स्पीड रिस्ट्रिक्शन चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल करने के हमारे पास थोड़े सुविधाएं कम रहती हैं। वह लोग कई बार बहुत तेज़ स्पीड से, ख़ासतौर से जो बसें चलती हैं तेज़ स्पीड के ऊपर, और जो ट्रक लोडेड ट्रक होते हैं वो अगर उन टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन के ऊपर से जाएंगे तो उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी वो जो अभी लगाए गए हैं वो परमानेंट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्प्रिंग पोस्ट हैं। अगर गाड़ी उससे टच होती भी है तो ना तो गाड़ी को कोई डैमेज होगा ना कोई ड्राइवर को डैमेज होगा। सर, एक मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, जब हम सड़क पर चलते हैं तो दो सड़कें जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में जो लाइन लगी आती है उसकी वजह से झटका लगता है बहुत तेज। अगर वो थोड़ा ठीक हो जाए तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। वैसे पिछले एक साल में, डेढ़ साल में हमने देखा, चाहे टोल टैक्स बन रहे, अगर मैं बात करूँ कि बहुत अच्छे तरीके से मेंटेनेंस का काम ज़रूर चलता रहा है, अगर वो थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हाईवे पर जो स्पीड बनी हुई है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ऐसा है कि जो पिछले साल दिसंबर में NHAI ने ये जो पहले कंपनी थी उससे टेक ओवर किया था, तो अब आप देख सकते हैं सरकार में कोई भी चीज़ नई लाने के लिए उसमें सैंक्शंस की ज़रूरत होती है, अवार्ड्स की ज़रूरत होती है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते हैं उसमें काम होते हैं। बट फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने रोड के जितने भी साइनेजेस थे वो सारे के सारे इम्प्रूव कर दिए हैं। जितने भी आइलैंड्स हैं जहाँ पर गाड़ियाँ पहले टकराया करती थी वहाँ पे हैजार्ड मार्कर्स लग गए हैं, सोलर ब्लिंकर्स लग गए हैं। इसके अलावा इस साल में हम लगभग 2 करोड़ रुपए के साइनेजेस और लगाएंगे, जिससे कि सड़क जो है वो और उसकी विजिबिलिटी हो फॉगी सीज़न में, बारिश के दौरान। और दूसरा क्या है कि जो ड्राइवर्स हैं, एक जनरली पाया गया है कि ओवर स्ट्रेस्ड हैं, मतलब वो जो ड्राइवर को आठ घंटे सोना चाहिए, तो कई बार क्या होते हैं कि ड्राइवर ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं तो नॉर्मल लोड को नहीं देख पाते हैं, तो हम साइनेजेस के ऊपर और वो कर रहे हैं। दूसरा हमारा टारगेट पे था कि इस रोड की जो इसमें बहुत खड्डे थे, बहुत सारी जगह पैचवर्क था, तो लगभग 300 किलोमीटर की हमारी सड़क है, उसमें से हम 250 किलोमीटर के करीब का जो 250 किलोमीटर के करीब की राइडिंग सर्विस हम कर चुके हैं, 50 किलोमीटर के करीब बचा है। इसमें कई जगह कुछ टुकड़े हैं वो ट्रैफिक के मैनेजमेंट के हिसाब से रहते हैं, जैसे ब्रिज है बीच में तो हम दोनों साइड का कर लिया, ब्रिज का बाद में बंद करके करते हैं, तो जहां वो काम बचा हुआ है वहां थोड़े झटके लग रहे हैं। लेकिन दिसंबर एंड तक हमारा नीलोखेड़ी से लेके और जलंधर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमें करनाल एरिया में, क्योंकि ये NCR में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इसमें अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं की जा सकती है, इस वजह से बंद है। लेकिन अगले हमारे दो एचएमपी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो हम इसको जल्दी, मतलब जैसे ही वेदर ये NGT का ख़त्म होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर होता है, इसको भी हम करा देंगे, इसको भी करा देंगे। थैंक यू सर। और हमारे साथ GM हैं टोल प्लाजा के, मनीष शर्मा जी। मनीष जी, टोल टैक्स के दरों में कुछ बदलाव किए गए हैं, आज से टोल टैक्स स्टार्ट हो रहे हैं, टोल टैक्स के दरों में कुछ बदलाव? थोड़ा बहुत बदलाव जो SPWPI हर सेप्टेम्बर में किया जाता है उतना बदलाव है। कार की सिंगल जर्नी रिटर्न जर्नी में विशेष बदलाव नहीं है। मंथली पासेस के रेट वही रहेंगे, जो कैटेगरी 1 150, कैटेगरी 2 300 रुपये वाला था वो सेम ही रेट रहेगा जी। और बाकी जो ट्रक हैं, बसेज हैं, उनके लिए थोड़े बहुत कुछ है? थोड़ा बहुत बदलाव है, वो हर साल जो ईयरली आता है उतना ही बदलाव है, विशेष कोई बदलाव नहीं। एक मनीष जी, अगर मान लो कोई खड्डा है सड़क के ऊपर, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो कोई ऐसा नंबर भी होता है जहाँ पर लोग, आम आदमी जो टोल प्लाजा है नियर बाय, वहाँ पर कोई सूचना दे सके, NHAI को सूचना दे सके? क्योंकि अक्सर लोगों में जानकारी का अभाव होता है जिस वजह से सूचना देरी से पहुँचते और तब तक हादसे ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे नंबर हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर है, हमारे कॉरिडोर टीम हमेशा 24/7 हाईवे पर रहती हैं, एम्बुलेंसेस हैं, क्रेन्स हैं, RP व्हीकल्स हैं, वो हाईवे पर रहते हैं। बहुत सारी जगह पर हमने डिस्प्ले कर रखे हैं, टोल प्लाजा पर भी वो नंबर अवेलेबल हैं, कोई भी अगर राहगीर चाहें, यूज़र चाहें, तो टोल प्लाजा पे अपनी कंप्लेंट दे सके, तुरंत प्रभाव से उसको रेस्क्यू करेंगे। आज तैयारी है फिर टोल? बिल्कुल पूरी तैयारी है। आपके चेहरे की खुशी तो यानी अलग ही नजर आ रही है। आप इसे चेहरे की खुशी मान लें, आप लोगों के सहयोग से आज चालू हो रहा है।
तो ये टोल टैक्स आपको बता दें कि आज शुरू होने जा रहे हैं और कुछ ही देर में जो टोल टैक्स की शुरुआत है वो किसान संगठन बुजुर्ग किसानों से करवाएंगे। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से आप देख रहे थे और आम जनता से जुड़ा हुआ हर एक सवाल हमने जो यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह उनसे लिया था और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया कि जल्द ही टोल टैक्स और सड़कें शानदार कर दी जाएंगी, चमकती हुई कर दी जाएंगी और आप अपनी गाड़ी को सरपट यहाँ से दौड़ा पाएंगे। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।